नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी मसूर दाल अंडे से एक रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे एक कप मसूर दाल। दाल को अच्छे से मैंने 3 से 4 बार साफ पानी से धो लिया है। साथ ही मैंने लिया यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू। आलू को पील करने के बाद हम ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। लिया मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्च 2 टुकड़ों में तोड़ के डालेंगे। अब हम 1 मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के, साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे 1 मीडियम साइज के टमाटर को ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट के। डालेंगे हम 2 चम्मच सरसों का तेल, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे जीरा पाउडर। अच्छे से हम मसाले दाल और आलू में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप कौन से गांव से या कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दाल आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर कम ज़्यादा कर लीजिएगा। आज की रेसिपी के लिए लिया है मैंने यहाँ पे 3 अंडे। अंडे भी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छे से मसाले मैंने मिक्स कर लिया है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और पानी डालेंगे हम यहाँ पे 3 कप। अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और पहले हम दाल में एक बॉईल आने देंगे, फिर हम पैन को कवर करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। पैन को हम कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। दाल को तब तक ढक के पकाएंगे जब तक दाल अच्छे से हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। 8 से 10 मिनट हो गए और दाल आलू अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। देखिए आलू सॉफ्ट हो गया है। अब हम तीनों अंडे को तोड़ लेंगे और इस तरीके से हम दाल में डाल देंगे। आप यहाँ पे 2 अंडे से भी बना सकते हो। अंडे डालने के बाद हम चलाएंगे नहीं, ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब हम एक पैन में डाल लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा हम डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच 5 फोड़न, साथ ही हम डालेंगे 4-5 लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। फ्राई करेंगे हम। लहसुन का कलर जैसे ही हल्का चेंज हो जाएगा हम डाल देंगे यहाँ पे 1 छोटे साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के। प्याज को हम 4-5 मिनट फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर हल्का चेंज ना हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लिया है। जैसे प्याज का कलर चेंज हो जाएगा हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अच्छे से हमारा स्टीम हो चुका है। अब हम एक बार हल्के हाथों से स्पैचुला से चला लेंगे। देखिए अंडे पूरी तरीके से हमारा स्टीम हो चुका है। नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप नमक यहाँ पर डाल सकते हो। डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और डाल देंगे हम यहाँ पे जो हमने प्याज को फ्राई करके रखे हैं। डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से एक बार हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। एक बार आप इस तरीके से दाल को बना के खाएंगे ना, आपका ये दाल फेवरेट बन जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है चावल के साथ खाने में। तो ढक देते हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। हमारा दाल बनके तैयार है।
दाल को इससे ज़्यादा और गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद दाल और ज़्यादा हमारा गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए दाल को अब हम सर्व कर लेंगे एक बाउल में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, और खाने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।